मायावती ने बीएसपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बड़ा ऐलान करते हुए भाई और भतीजे पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी है। बीएसपी प्रमुख ने भतीजे आकाश को राष्ट्रीय संयोजक बनाया तो भाई आनंद कुमार को दोबारा पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया है। इसके साथ ही पार्टी में दो नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाए गए। रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। तो मायावती ने बीएसपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में यह बड़ा ऐलान करते हुए भाई और भतीजे को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है पार्टी में। बीएसपी प्रमुख ने जहां एक तरफ भतीजे आकाश को राष्ट्रीय संयोजक बनाया है तो वहीं भाई आनंद कुमार को दोबारा पार्टी का उपाध्यक्ष चुना है। इसके साथ ही पार्टी में दो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स भी बनाए गए हैं। रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यह बड़ा बदलाव संगठन में, बीएसपी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव। उससे पहले बैठक की गई और बैठक में ऐलान किया गया आनंद कुमार को एक बार फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं पार्टी सुप्रीमो के भाई आनंद कुमार के साथ साथ भतीजे आकाश आनंद को भी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी है। आनंद भाई साहब को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और माननीय आकाश आनंद जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। जो लोग इस देश को जाति धर्म के नाम से तोड़ना चाहते हैं, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है इस देश में संविधान के अनुसार ये देश चले, सभी वर्गों में हिंदू मुसलमान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी लोग एक साथ मिलकर भाईचारा बना के और इस देश को, इस प्रदेश को मजबूत करें और ऐसा संगठन बनाया जाए, ये माननीय बहन जी का संदेश है। बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से आप ये उपचुनाव भी और आगे के चुनाव भी लड़ेगी और सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेगी, अपने इस मिशन को आगे बढ़ाएगी, ये निर्देश था। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये परिवारवादी पार्टियां हैं, ये कभी भी इस प्रदेश का, इस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी देश की 130 करोड़ जनता, प्रदेश की 23 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ हमारा कोई बूथ का अध्यक्ष, जिला का अध्यक्ष होगा, क्षेत्र का अध्यक्ष होगा, प्रदेश का अध्यक्ष होगा, देश का अध्यक्ष होगा, लेकिन सपा बसपा कांग्रेस में तय है कि जो उनके परिवार का सदस्य होगा वही उनकी पार्टी का मुखिया भविष्य का बनेगा। ये पारिवारिक प्रॉपर्टी है, किसी को दे कोई हक थोड़ी है, कोई किसी को कोई कह थोड़ी सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एक बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, एक बूथ अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में संभव है, ये सपा बसपा कांग्रेस में नहीं है।